अब हम पहुंच चुके हैं बिरथी। वाटरफॉल की दूरी सड़क से लगभग 150-200 मीटर है। सड़क के पास ही KMVN के TRH के साथ ही कुछ निजी गेस्ट हाउस और चाय नाश्ते के लिए दुकानें हैं। सड़क के किनारे उचित स्थान पर अपना वाहन पार्क कर यहां से पैदल बिरथी वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। यह है बिरथी वाटरफॉल के लिए मार्ग और यहां के खूबसूरत दृश्य। मुंशारी से करीब 38 किलोमीटर पहले थल मुंशारी मार्ग में यह है बिरथी झरना, जो बेहद ऊंचाई से गिरता है और पर्यटकों को दूर से ही दिखाई देता है। वाटरफॉल की दूर तक छिटक कर आती पानी की बूंदें आपके कपड़े, कैमरा, मोबाइल आदि भी भिगा देती है। झरने के एकदम पास जाने से बचें। यहाँ आसपास के पत्थर लगातार पानी गिरने से फिसलन भरे हो गए हैं। दूर से देखने से ही यह झरना मन में रोमांच भर देता है। बिरथी वाटरफॉल लगभग 126 मीटर की ऊंचाई से गिरता बड़ा मनमोहक लगता है। इस झरने की एक खास बात यह है कि यह 12 महीने इसी वेग से बहता रहता है। बिरथी फॉल सदाबहार है। बारिश हो या गर्मी या सर्दी का मौसम, झरने का पानी पूरे वेग से चट्टानी जमीन से टकराता है। मुंशारी के मार्ग में यह बेहद खूबसूरत स्थान है। यहाँ से नीचे की ओर बिरथी गांव भी दिखाई देता है, जिससे स्थान का सम्मोहन और भी बढ़ जाता है। यहाँ की हर जगह बिखरी प्राकृतिक सुंदरता मुंशारी को सैलानियों के बीच उनका फेवरेट डेस्टिनेशन बनाती है। आज का सफर यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने लाइक्स और कमेंट्स द्वारा बताइएगा। उत्तराखंड के कई अन्य स्थानों की जानकारी देते वीडियो भी आप पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ। धन्यवाद।